साईफाई एक्शन मूवीज फैमिली के साथ तो देखना चाहते हैं, लेकिन या तो वो हिंदी में डब नहीं मिलती और अगर मिल भी गई तो 18 प्लस मूवी होती है। और इन सब के बाद पूरी फैमिली को पसंद आएगी, इसकी क्या गारंटी। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है 2005 की 2 आवर्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जिसके 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। चाहे कोई भी जॉनरा हो, स्टीवन स्पीलबर्ग बेस्ट डायरेक्टर है हॉलीवुड के फैमिली मूवीज के लिए। इनकी मूवीज में इस तरह का इमोशंस होता है, फिर वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के लिए क्यों ना हो, वो बराबर दिल में उतर जाती है बात। कहानी एक फादर की है जो अपनी छोटी बेटी के साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए आता है, लेकिन ट्राइपॉड शेप के बड़े बड़े एलियंस की स्पेसशिप आते हैं और पूरी इंसानियत को खत्म करना शुरू कर देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट में भी भर भर के इमोशंस डाले। बात अगर करें इस मूवी के सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है डायरेक्शन। स्टीवन स्पीलबर्ग की अब तक की बेस्ट मूवी तो नहीं है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी है, आप उनके किसी भी मूवी को उठा के देख लो, वो हर किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। और जिस तरह के लार्जर देन लाइफ सीन्स रहते हैं इनके मूवी में, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते क्या सच है और क्या झूठ। टॉम क्रूज और डकोटा फैनिंग की एक्टिंग देखकर आपको उनकी फिकर होने लग जाएगी मूवी के अंदर। डायरेक्टर ने कई ऐसे हॉरर सीन्स डाले हैं मूवी के अंदर जिसमें सब कुछ इतना साइलेंस हो जाता है कि आपको आपकी धड़कनें सुनाई देती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मूवी का सिनेमेटोग्राफी। ट्राइपॉड शेप का बड़ा एलियन आकर धरती पे हमला करता है, ये सुनने में भी कितना बचकाना लगता है, लेकिन इस चीज को भी मूवी के अंदर आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी से हमें दिखाया है। किस तरह इंसानों को बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है, और जब एलियंस की एंट्री होती है, डिजास्टर होता है, ये सब हमें मजबूर करते हैं कि हम मूवी को रियल माने। फेवरेट पार्ट है इस मूवी का डर और जो पागलपन दिखाया है, और छोटा मोटा नहीं लेकिन लार्ज स्केल पे। अगर मूवी आपको इमोशनली कनेक्ट हो गई तो आप एक दूसरे से जरूर पूछोगे, अगर तू इस जगह पे होता तो क्या करता। बात अगर करें इस मूवी के एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में जो मेरे हिसाब से है, वो है इस मूवी का स्क्रीन प्ले और कुछ इलॉजिकल सीन्स। हम है 2020 में, 15 साल पहले की मूवी अगर आप आज देखोगे तो यार आपको कहीं ना कहीं उसका स्क्रीन प्ले स्लो लगेगा ही। और उसका रीजन है डायरेक्टर ने इसमें इमोशंस डालने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी आपको अगर आपने बहुत सारे साईफाई मूवीज देखे हैं, तो आपका दिमाग इस मूवी के अंदर सवाल पूछना शुरू करेगा, और जब कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो वो चीज इलॉजिकल लगने लगती है। बस 2 सीन्स है वैसे, उस पर शायद किसी का ध्यान ना भी जाए। इन सब के बाद मेरा फाइनल कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यही है, इस मूवी की डबिंग बहुत ही अच्छी है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर इंग्लिश में ये मूवी मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे कट्स किए हैं जो पूरे मूवी का मजा किरकिरा कर देती है। H.G. वेल्स जैसे ग्रेट राइटर, उनकी फैंटेसी स्टोरीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की स्टीवन स्पीलबर्ग ने आउटस्टैंडिंग कोशिश की है। जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस और विजुअल ट्रीट ये मूवी है। 15 साल पुरानी होने की वजह से थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन किसी तरह का कोई एडल्ट सीन ना होने की वजह से इसे फैमिली के साथ 100% देख सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूवी के अंदर बहुत ही ब्रूटल सीन है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड और टॉर्चर देखने मिलेगा जो इस मूवी को और भी सीरियस और इंटेंस बनाती है। 4-in-1 जॉनरा की ये मूवी है, साइंस फिक्शन, एक्शन, सर्वाइवल और डिजास्टर। ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यूज हर शाम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।